इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बिबसहु जासु नाम नर जन्म अनेक रचित अघदह। बिबसहु जमाई लेकर सोते गिर गए तो राम राम हरिहर एने आओ, किसी तरह नाम निकले तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। अब जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो विश्वामित्र बाबा ने सोचा कि चले जाएंगे, तो यज्ञ अनुष्ठान होता है 7 दिन या 9 दिन या 1 पक्ष 1 मास। तो गुरु विश्वामित्र जी ने विचार किया क्यों न कथा का अनुष्ठान कर दें, तो पुराने इतिहास की कथा सुनाने लगे, तो फिर 9 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया। नौ निकल बात भक्ति है तो बहु कथा पुराना कहे विप्रजद्यपि प्रभु जाना। भक्ति है तो बहु कथा पुराना कहे विप्रजद्यपि प्रभु कथा का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इसी के मध्य में मिथिला से संदेशा आया, हम बिटिया के स्वंबर की रचना बनाए हैं, महामुनि से प्रार्थना है आशीर्वाद देने पधारे। तब संदेशा चलता था, अब तो बात ही बात हो जाती है, संदेशे का अर्थ ही समाप्त हो गए। पहले भावनाएं लिखित आती जाती थी, अब लिखने की जगह कहने तक हो गया है, लिखित नहीं रहा, फिर भी लिखतम पढ़तम रहने चाहिए, थोड़ा तो रहना चाहिए। धनुष यज्ञ हो रहा है ऐसा सुनकर गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा प्रभु चलें। प्रभु क्यों कहा? तब मुनि, देखो मुनि है ऋषि है, ऋषि नहीं पीछे देखिए, तब ऋषि निज नाथ हैं जिए चीने, पलटिए पन्ना विद्यानिधि कहूँ, तब ऋषि
तब ऋषि निज नाथ हैं जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या, जाते लाग न छुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। निज नाथ ही अर्थात प्रभु ब्रह्मण्य देव, अब मैं जाना। भगवान ब्राह्मणों को देव मानते, भक्ति का पहला सोपान है प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुन तब मम धर्म उपज अनुरागा। विप्रप्रीति साधु जनों में, साधक जनों में, भागवत जनों में, ब्राह्मण देवताओं में सहज प्रेम होना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है। भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते, इसलिए भगवान क्यों आए? विप्र धेन सुर संत हित, सिद्धांत में बकबक नहीं चलता, सिद्धांत में स्वीकार चलता है। व्रत का प्रलाप कोई अर्थ नहीं। पहचान गए, कब पहचाने? जब भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लिया, निज पद दीना। ताड़का को भगवान मारे तो ताड़का भगवान के सिर चरणों में ही उसका तेज प्रवेश कर गया। व्याख्या बहुत है, वहां न जाएं। भगवान निज पद अर्थात भगवान ने देखा, श्री चरण में प्रवेश कर गया। यही तो शबरी अम्बा का भी हुआ, कही कथा सकल बिलोक, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई, जहां नहीं फिरे, जहां ये गई वहीं वो चली गई। क्या आदमी ऐसे असुर नहीं होता। मनुष्य अपने आहार विहार और व्यवहार से असुर होता है। सुर और असुर में इतने अंतर है। श्रुति पुराण आगम निगम, श्रुति माने निगम, तंत्र शास्त्र माने आगम, आगम निगम पुराण इतिहास का मानकर जो पालन करे व्यवहार करे वो सुर अथवा मनुष्य, और इसके विरुद्ध चले वो असुर। रावण का समाज जहिविद हो धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मां नन कोई, जहिविद हो धर्म निर्मूला। असुर जिसके जीवन में सहजता नहीं है, वैदिक मर्यादा नहीं, पौराणिक मर्यादा नहीं, लोक मर्यादा नहीं है, जैसे तैसे। अरे यहां तो खाने की भी मर्यादा है, उठकर जाने की भी मर्यादा है, बैठने की भी मर्यादा है। मनुष्य को उठते बैठते देख लो तो आपको उसके संस्कार का पता चले, बोलने की आवश्यकता ही नहीं। आदमी उठा उठकर जाने लगा, विवेकी लोग उसके उठने बैठने से बता देंगे ये आदमी का स्वभाव कैसा है। ऐसा अध्ययन जीव का है। रहना कहना तो अलग बात है, एकदम अलग। गुरुओं की रचना, भगवान की कृतित्व का दर्शन, संबोधन प्रभु हो गया। प्रभु एक चरित्र हो रहा है, चल कर देखें, मेरे सरकार सुने और चल पड़े। देखिए सद्गुरु के सानिध्य में रहने पर अपने मन को समुद्र में डालना पड़ता है, माता पिता की सेवा में रहने पर अपनी इच्छाओं को भावनाओं को अग्नि में स्वाहा करना पड़ता है, अपनी कोई इच्छा नहीं।
राजी हैं हम उसी में जिसमें आपकी रजा है, जैसे आप प्रसन्न हुई। भरत जी कहते हैं, जेहिविद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजी सोई। जेहिविद आप प्रसन्न हुई, ये समर्पण है। परमात्मा श्री राम ने ये नहीं कहा नहीं हम अयोध्या जाएंगे, धनुष यज्ञ सुनी चरित एक प्रभु देखिए जाई। हर्ष चले मुनिवर के साथा, मार्ग में एक आश्रम मिला अहिरौली में, आज का जो अहिरौली है जहां मां अहल्या का निवास स्थान था, ऋषिवर गौतम जी का दिव्य आश्रम में। मान्यताओं को भंग करने की कोशिश नहीं करता, मान्यताएं मानने के लिए होती है, परंतु इतना आपसे निवेदन करें, मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। हम अपने पुराकृत कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं और नवीन कर्मों को श्रेष्ठता प्रदान कर सकते हैं। देवता ऐसा नहीं कर पाते। हम क्रियमाण के द्वारा अपने इस मानव जीवन को धन्यता प्रदान कर सकते हैं, क्रियमाण के द्वारा। आज गुरुवार है, हम गुरुवार शुक्रवार शनिवार से अपने कर्म की जो विकृतियां हैं उसको समाप्त करके सुकृति में प्रवेश करें, हमारा जीवन धन्य होगा। इसीलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ये बड़ी अलौकिक संपदा है, अति अलौकिक संपदा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।